प्रोनाउन के बारे में हम सीखेंगे। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पे आए उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन ना। तो प्रोनाउन जैसे आपका हो गया यहाँ पे आई मी माई यू योर ना, यू योर एंड वी अस आर दे देम देयर ना, दे देम देयर एंड ही हिम हिज सी हर इट इट्स, ये पूरा आपका क्या है, प्रोनाउन ना। अब देखिए एक साइड में नाउन और एक साइड में प्रोनाउन। जैसे हम लिख दें कि राम राम इज, इज राम इज ए माय माय ब्रदर ब्रदर ना, राम इज माय ब्रदर। सो राम इज नाउन। देखो प्रोनाउन इसका क्या है, देखो राम इज माय ब्रदर और ही इज इन, ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम ना। राम इज माय ब्रदर, ही इज इन द रूम। तो राम क्या है, ही, तो राम क्या है, ही और ही कौन है, राम। तो राम देखो नाउन है ना, और ही क्या है, प्रोनाउन, समझ रहे हो। तो राम नाउन हो गया और जो क्योंकि राम के स्थान पे क्या आ गया, ही। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल में देख ले, सीता इज माय सिस्टर, सीता इज माय सिस्टर। अब देखो इसको, ओ सॉरी, सीता यहाँ पे, सीता, सीता इज माई सिस्टर ना, सी इज इन द किचन, सी इज इन द किचन, सीता इज माई सिस्टर एंड सी इज इन द किचन। तो सीता इज नाउन एंड सी इज, सी इज सीता इज नाउन एंड सी इज प्रोनाउन। सीता इज नाउन, सी क्या है, सीता इज नाउन, सी इज प्रोनाउन ना। तो समझ गए। तो यहाँ पे हम देखो प्रोनाउन यहाँ पे पूरा हम लिख दिए ना, ये आपका पूरा प्रोनाउन, जब ये आए तो आपको दिख जाए कि क्या है, प्रोनाउन है। जैसे आई मी माई यू योर वी अस आर देम दे देम देयर एंड इधर क्या है, ही हिम हिज सी हर इट इट्स, ये सारे आपके क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे प्रोनाउन में हम बना सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पॉसेसिव, ठीक, इसको बाद में देखेंगे।